हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने सीखा था कैनवा से यूट्यूब के लिए प्रोफेशनल लोगो कैसे बनाते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि मोबाइल से HD क्वालिटी का थंबनेल कैसे बनाते हैं और जानेंगे थंबनेल कैसे लगाते हैं और यह सेट कैसे करते हैं। हमें थंबनेल क्यों बनाना चाहिए और क्यों लगाना चाहिए, थंबनेल लगाने से हमको क्या फ़ायदा है। थंबनेल लगाने से हमें यह फ़ायदा होगा कि वीडियो पे व्यू ज़्यादा आएगा और वीडियो अट्रैक्टिव देखने में लगे, उस पर क्लिक ज़्यादा होगी, यानी वीडियो का व्यू हमें ज़्यादा मिलेगी और इससे हो सकता है आपका वीडियो वायरल भी हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं थंबनेल कैसे बनाएं। थंबनेल बनाने के लिए हमें प्लेलिस्ट पे जाना होगा, प्लेलिस्ट में सर्च करना होगा पिक्सल लैब। पिक्सल लैब सर्च करने के बाद यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं पिक्सल लैब, पिक्सल सर्च करने के बाद यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ओपन करने के बाद हम बैक जाते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे हमने पहले से पिक्सल लैब डाउनलोड करके रखा है, इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद हमें एक पेज ओपन होगा, यहाँ पे ऊपर में देख रहे हैं थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर बोल रहा है साइज, इमेज साइज पर क्लिक करेंगे। इमेज साइज पर क्लिक करने के बाद हमें सेलेक्ट करना है YouTube थंबनेल बनाना। पहले बोल रहा है यहाँ पे देख रहे हैं स्क्वायर बनाने के लिए, प्रोफाइल बनाने के लिए YouTube बैनर बना सकते हैं और YouTube थंबनेल बना सकते हैं। इसको क्लिक करेंगे, YouTube थंबनेल पे क्लिक करने के बाद देख रहे हैं 1280 और 720 ये साइज आ गया, इस पर क्लिक करेंगे। ओके करेंगे। ओके करने के बाद हमें टैक्स का न्यू टैक्स पे क्लिक करेंगे, एक वन टाइप क्लिक करने के बाद हमें थंबनेल में जो लिखना है इस पर टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद हम यहाँ पर टाइप करते हैं हाउ टू मैक यहाँ पे टाइप करेंगे। इसके बाद ऊपर स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद हम इसे बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद हमें इसे फॉन्ट में चेंज करना है, दूसरे फॉन्ट में चेंज करना है, तो ऊपर ए में जाएंगे। ए में जाने के बाद ऊपर स्क्रॉल करेंगे, ऊपर स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है फॉन्ट, फॉन्ट पे क्लिक करेंगे। फॉन्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे ये वाला फॉन्ट बढ़िया लग रहा है, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अभी ओके करेंगे। ओके करने के बाद मतलब फॉन्ट ये वाला आ गया। अब इसमें बैकग्राउंड टेक्स्ट का कलर चेंज करेंगे। टेक्स्ट का कलर नीचे ऊपर पहले हम बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं। टेक्स्ट का बैकग्राउंड यहाँ पे लिखा हुआ है, बैकग्राउंड पे ओके क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इनेबल करेंगे। इनेबल करने के बाद हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर रखना चाहते हैं वाइट, वाइट पे क्लिक करेंगे। वाइट पे क्लिक करने के बाद हमारा टेक्स्ट नहीं दिख रहा है, तो इसको हम बाद में चेंज कर लेंगे। टेक्स्ट का कलर चेंज कर यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट का कलर चेंज करेंगे। टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। टेक्स्ट का कलर कैसा रखना चाहते हैं हम, रेड रखना है, रेड पे क्लिक करेंगे। रेड पे क्लिक करने के बाद हमारा टेक्स्ट का कलर रेड हो गया और हम चाहते हैं थोड़ा छोटा हो जाए टैक्स, तो इसको छोटा कर लेंगे। छोटा करने के बाद मेरा साइज सेट कर लेंगे, इतना बड़ा ठीक है। ऊपर थोड़ा कर लेते हैं और ऊपर करने के बाद हम यहाँ पे सही पे टिक करेंगे। सही पे टिक करने के बाद हम बैकग्राउंड में जाएंगे। बैकग्राउंड में जाने के बाद यहाँ पे हम यहाँ पे जो छूट गया है वाइट, इस पर कवर करेंगे। कवर करने के लिए हमें यहाँ पे देख रहे हैं लेफ्ट पेंडिंग दिया है, पेंडिंग, तो इसको लेफ्ट पेंडिंग भी आगे कर देंगे, बढ़ा देंगे। फिर राइट पेंडिंग भी आगे बढ़ा देंगे। फिर हो सकता नीचे टॉप भी, नीचे टॉप पेंडिंग इसको ऊपर, टॉप पेंडिंग हो ऊपर, बॉटम पेंडिंग नीचे हो जाता है। बॉटम पेंडिंग नीचे कर देते हैं जितना हो सके, जितना रहने देते हैं, जितना रहने देते हैं। फिर यस पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करने के बाद हम इसमें इफेक्ट देना था, टैक्स पे इफेक्ट देने के लिए हमें स्टॉप पे जाएंगे। स्टॉप पे जाने के बाद थोड़ा इनेबल कर देंगे स्टॉप। स्टॉप इनेबल करने के बाद स्टॉप को इनेबल करने के बाद यहाँ पे इनेबल कर देते हैं। इनेबल करने के बाद हम थोड़ा इफेक्ट दे देते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा दे देते हैं, थोड़ा सा इफेक्ट, इतना ठीक है, बहुत काफ़ी है। फिर यस पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक, मेरा इफेक्ट हो गया सेट। सेट होने के बाद हम इसके बाद फिर दूसरा टैक्स लिखेंगे। यहाँ पे टैक्स पे क्लिक करेंगे। टैक्स पे आगे यहाँ पे लिखेंगे थंबनेल, यहाँ पे लिखेंगे फिर दूसरा टैक्स थंबनेल।
थंबनेल लिखा, थंबनेल लिखने पर डन पे क्लिक करेंगे, डन पे क्लिक करेंगे फिर ओके पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे थंबनेल लिखा गया। थंबनेल लिखने के बाद इसको बड़ा कर देंगे, यहाँ पे टेक्स्ट दिख नहीं रहा वाइट में, इसीलिए वाइट में इसलिए नहीं दिख रहा, इसको बड़ा कर देते हैं और थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। बड़ा करने के बाद यहाँ पे हम टेक्स्ट का कलर चूज कर देते हैं। टेक्स्ट का कलर चुनने के लिए यहाँ बैकग्राउंड में नहीं, टेक्स्ट का कलर चुने कलर में जाएंगे। कलर में जाने के बाद इस कलर को हमको चाहिए, ये कलर चुन लेंगे और फिर उसके बाद हमको चाहिए फॉन्ट कलर, फॉन्ट कलर चाहिए ये वाला, फिर सिलेक्ट कर लेंगे, ओके कर देंगे, ओके ये कलर ठीक है पसंद है। इसके बाद हम यहाँ पे स्टॉक में जाएंगे, स्टॉक में जाके स्टॉक थोड़ा दे देंगे, ये हमारा सेलेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट लिखते हैं, फिर प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद प्लस का आइकन क्लिक करेंगे, टैक्स फिर दूसरा लिखेंगे, टैक्स दूसरा टैक्स सेलेक्ट करेंगे, जैसा कि दूसरा टैक्स हमको लिखना है, तो वीडियो तो यूट्यूब वीडियो 2020 लिखने के बाद डन करेंगे, डन करने के बाद ओके करेंगे, ओके करने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है नीचे हम टेक्स्ट का कलर चेंज करेंगे। टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए ऊपर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं कलर लिखा हुआ, कलर पे ओके करने के बाद हमें यहाँ पे टेक्स्ट का कलर रखना है येलो, येलो पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद फिर सही के टिक सही के टिक पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारा सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे हम टेक्स्ट का इफेक्ट देना चाहते हैं, जो सा इफेक्ट देना चाहिए यहाँ पे स्टॉक का इफेक्ट देना चाहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने में हमारा स्टॉक का इफेक्ट हो गया। टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर हमको हमें यहाँ पे टेक्स्ट का कलर वाइट रखना है, यहाँ वाइट पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट का कलर यहाँ बैकग्राउंड हमको येलो रखना है, बैकग्राउंड को येलो रखना है, तो बैकग्राउंड पे जाएंगे फिर इनेबल करेंगे, यहाँ पे इनेबल करने के बाद यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर येलो देंगे, येलो दे देंगे, फिर यस पे सही टिक पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमें फिर यहाँ पे टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, वाइट करना है। टेक्स्ट का कलर टेक्स्ट वाइट करने के लिए यहाँ पे कलर में जाएंगे, कलर पे जाने के बाद यहाँ पे वाइट पे ओके क्लिक, टेक्स्ट का कलर वाइट हो गया। वाइट होने के बाद हमें टेक्स्ट के बैकग्राउंड को हमको बढ़ाना है, टेक्स्ट को बैकग्राउंड को बढ़ाना है, तो बैकग्राउंड में जाएंगे, इसमें नीचे ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेंगे, बैकग्राउंड को नीचे एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे जैसा कि हम एडजस्ट कर रहे हैं आप भी कर सकते हैं, करने के बाद हम थोड़ा और नीचे कर लेते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट को इफेक्ट और कुछ देना चाहते हैं इफेक्ट, जैसे कि टेक्स्ट का इफेक्ट ये वाला दे देते हैं, इनेबल करने के बाद हमारा ये इफेक्ट हो गया। और टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे फॉन्ट में जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करें यहाँ फॉन्ट में जाएंगे और टेक्स्ट का फॉन्ट ये वाला सिलेक्ट करें, फिर ओके कर देंगे, ये फॉन्ट सिलेक्ट हो गया हमारा थंबनेल बन के तैयार हो गया है। थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक्सपोर्ट का दिया हुआ एक्सपोर्ट इमेज पर क्लिक करेंगे, हमारा इमेज एक्सपोर्ट हो जाएगा, यहाँ पे शेयर पे क्लिक कर देंगे, हमारा इमेज एक्सपोर्ट हो गया। जैसा कि हम देख सकते हैं इमेज कहाँ एक्सपोर्ट है, यहाँ पे फोटो में जाएंगे, फोटो में जाने के बाद यहाँ पे एल्बम में जाएंगे, यहाँ पे ऊपर में देख रहे हैं हमारा बन के तैयार हो गया थंबनेल। इसी तरह आप भी अपने वीडियो के लिए थंबनेल बना सकते हैं।